आज की हमारी रेसिपी है ये मूंग स्प्राउट सैलेड्स। आप इसे भेल की तरह भी ले सकते हैं या चाट की तरह से भी खा सकते हैं, इस पर थोड़ी सी दही वगैरह डाल के, जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, काफ़ी सारे विटामिन्स, फाइबर्स, मिनरल्स होते हैं इसमें, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और बनाना तो बहुत ही ईजी होता है। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। ये देखिए, एक दिन पहले मैंने मूंग को भिगो के और उसका पानी ड्रेन आउट करके और उसको ढक के रखा था। ये बहुत जल्दी स्प्राउट्स इसमें आ जाते हैं और इसमें बिल्कुल गर्म पानी से इसको 5 मिनट के लिए ऐसे डाल के और ढक दिया इसे, जिससे थोड़ी सी ये नरम हो जाते हैं, थोड़ी ब्लांच इसकी ब्लांचिंग हो जाती है। तो अभी पानी निकाल के और इसमें काला नमक डाल दिया। और ये देखिए कुछ चीज़ें हैं, ये खीरा है, टमाटर है, प्याज है, मिर्ची, धनिया और ये नींबू है। आप सब्जियां और भी इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, चुकंदर भी छोटे छोटे काट के डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी यही थी, मैंने यही ली। और इस तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं ये सब, और नींबू को भी मिला लिया मैंने। इसे एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं मिक्स करने के लिए। तो इस तरह से और भी सारे स्प्राउट मोट होते हैं, और चना होता है, मूंगफली को भी डाल के आप बना सकते हैं। अभी नींबू का रस इसमें डाल दिया, तो इसको मिक्स कर लेते हैं धनिया की पत्ती डाल के। तो इसमें आप वेरिएशन बहुत सारे आप कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसमें दही डाल के थोड़ी चाट की तरह से भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तैयार है हमारे मूंग स्प्राउट्स के सैलेड। तो फिर देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी इस तरह की हेल्दी, टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी आपको मिलती रहे टाइम पे। तो फिर मिलते हैं, देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। बाय।